नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान सागर एलईडी टीवी ट्रेनिंग सेंटर में। और जैसे कि हर बार की तरह इस बार वीडियो एक लेके आए हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे जो न्यू टेक्नीशियन भाई हैं, हमारे बिगनर्स, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि बैकलाइट को किस तरह चेंज करें, और ये अलग एक समस्या आई है इसमें, तो किस तरह हम इसको सेट को ओके करेंगे, आइए देखते हैं ये वीडियो। जी दोस्तों, ये देखें, एक टेक्नीशियन भाई हमारे पास टीवी लाए हैं, और इस टीवी में हमने अभी ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने इस टेप पट्टी से फिक्स किया है, अभी लगा दिया है। उसके बाद में हमको ध्यान आया कि आप लोग इस तरह का अगर काम करें तो आप लोग इस उलझन में ना रहे हो, थोड़ी उलझन आपकी दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उन्होंने इसमें ये स्ट्रिप लगी हुई थी, और ये हमारी एक बल्ब जो 1.5 वोल्ट का है, और उन्होंने इसमें 6 वोल्ट का एलईडी 3 स्ट्रिप लगा दिया, तो ये मदरबोर्ड हमारा 6 वोल्ट के 3 स्ट्रिप को नहीं जला सकता है। अब इसमें अगर ये 6 वोल्ट की हम अगर स्ट्रिप लगाएंगे तो इसका 6 6 36 और 36 108 वोल्ट हमारा ये 3 स्ट्रिप में बनेगा, तो ये वाला मदरबोर्ड हमारा नहीं जला सकता है, क्योंकि ये हमारा जो 3 स्ट्रिप है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारी 1.5 वोल्ट की है। 1.5 2 वोल्ट का अगर हमारा बल्ब है तो इसमें 6 वोल्ट का लगाएंगे तो इसमें जलेगा ही नहीं, तो ये सभी कन्फ्यूजन आप लोगों का हम दूर करेंगे। तो आपको दिखा देते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा बैकलाइट टेस्टर है आपको इसमें दिखाएंगे, ये देखिए, फोकस करिए, थोड़ा जूम कर दें, देखें आप लोग, थोड़ा अच्छे से दिखता होगा आपको। तो इसका हम सबसे पहले इस स्ट्रिप को जो अभी नया हमने टेप लगा दिया क्या आया, तो देखिए ये हम जो हमारा मेजर करेंगे, आप लोग देखें ये हमारा जला, और देखें आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसका इसमें 12 वोल्ट बता रहा है, तो ये हमारा 2 वोल्ट की लाइट हुआ, 2 वोल्ट का एक बल्ब हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग से हम गिनेंगे तो ये हमारा 6 दूनी 12, तो ये हमारा 36 वोल्ट बनेगा जाके। आप लोग देखें 2 4 6 8 10 12 12 3 36, हमारा 36 वोल्ट बनेगा, और ये 36 वोल्ट की जगह हमारा बन 36 वोल्ट रहा, और हम बैकलाइट इसमें 6 वोल्ट की डालेंगे, तो ये हमारा काम कहाँ से होगा, देखिए इसको भी चेक कर दें, देखें आप लोग, इसमें भी 12 वोल्ट बता रहा है, इसमें भी चेक करेंगे ये भी 12 वोल्ट बनेगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आपको बताएं इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ, जो हमारे टेक्नीशियन भाई हमारे पास लाए वो कंफ्यूज कहाँ से हुए, क्योंकि उन्होंने ये जो हमारी स्ट्रिप है, आपको एक बार दिखा देते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देंगे, और जो हमारी ये स्ट्रिप है जो इसमें लगी हुई थी, तो क्योंकि बैकलाइट कभी भी आए ना आपके पास तो एक एक चेंज ना करें, तो इसमें हमारा सिर्फ एक स्ट्रिप खराब है, देखें आप लोग, ये हमने यहाँ पे इसको चेक किया, देखिए ये हमारी जल रही है, मीटर आपको दिखाएंगे, देखो आप लोग देखें इसमें हमारी 2 स्ट्रिप जल रही है, देखिए, और इसमें 12 वोल्ट क्लियर बता रहा, देखें आप लोग, और इसमें भी ये हमारी शायद ये खराब है, और ये भी जल रही होगी, देखिए इसमें कभी कभार 1 2 बल्ब थोड़ा लेट से चालू होता, लेकिन इसके भी ये वोल्टेज बराबर बता रही है, तो हमारी ये स्ट्रिप खराब है, ठीक है, हमारी ये स्ट्रिप खराब है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि सभी चेंज कर देंगे, तो अब वो कंफ्यूज थे, दोनों ये लाइट दोनों 12 वोल्ट बताती है, उन्होंने तो 3 वोल्ट और 6 वोल्ट की लाइट देखी है, क्योंकि अभी तक जब भी उन्होंने चेंज किया अभी तक बता रहे थे मुझे कि हमने 6 वोल्ट 3 वोल्ट की लाइट देखी, ये 2 वोल्ट की, ये 1.5 वोल्ट की कहां से आ गई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उन्होंने किस तरह चेक किया इसको। जी दोस्तों ध्यान दें, उन्होंने
अब उनको कंफ्यूज हुआ कि ये इतना 12 वोल्ट ही बताता है कि क्योंकि हमारा अगर 3 वोल्ट की है तो भी 18 वोल्ट बताना चाहिए। तो उन्होंने सोचा 12 वोल्ट बता रहा, तो उन्होंने एक बल्ब चेक किया। आप लोग ध्यान दें, इससे मीटर पे फोकस करें और मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखें आप लोग, ये आप मीटर पे फोकस करें और मैं आप लोगों को इस जो हमारा एक बल्ब, देखिए ये स्ट्रिप को हटा देंगे, इसका हम एक बल्ब आपको चेक करके बताएंगे। देखें आप लोग ध्यान दें, ये जो एक बल्ब है, इस एक बल्ब में हम इस तरह मीटर की प्रोब रखेंगे। देखिए ये बल्ब जला और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मीटर पे फोकस करें, 6 वोल्ट बता रही है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जब एक बल्ब हमारा 6 वोल्ट का बता रहा है, देखिए जो भी हम बल्ब चेक करेंगे वो हमारा, देखिए इसमें कुछ एम्पियर अलग अलग बता रहे हैं। देखिए इसमें वो कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने सोचा कि वैल्यू बढ़ गई है, तो अगर यहाँ पे हम इस बल्ब को चेक कर रहे हैं तो ये हमारा 6 वोल्ट बता रहा है, देखें आप लोग। और वहीं पे हम इस बल्ब को चेक कर रहे हैं तो ये हमारा कुछ, देखिए कुछ घट बढ़ के, देखिए 15, 16, 15, 14 इस तरह का हो रहा है। और उससे आगे वाला बल्ब चेक कर लेंगे, देखिए ये 6 वोल्ट बताया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन इस बैकलाइट ने किया था उनको। तो अगर इस तरह का आपके पास आए और आपको पता लगे कि 30 इंच में ज्यादातर लोकल, ये हमारा लोकल एलईडी है आप लोगों जी दोस्तों, देखिए ये हमारा जो फिलीविजन कंपनी है, ये लोकली कंपनी है हमारा ऐसा ही। तो कभी भी लोकल कंपनी में तो 108 वोल्टेज बैकलाइट के लिए यूज होता ही नहीं है। तो हम आप लोगों को बता दें, आज दिन तक हमने जो 32 इंच का टीवी है इसमें इस तरह का इतना वोल्टेज नहीं देखा यूज किया हुआ। तो 3 वोल्ट की बैकलाइट ज्यादातर हमारी इस तरह के सेट होते हैं, उनमें लगी रहती है। तो ये बैकलाइट कुछ अलग टाइप की थी, इसके लिए आप लोगों को हमने ये चीज बताया। कभी भी जैसे आप लोग यहाँ पे चेक किए, जैसे अभी आपको हमने चेक करके बताया, यहाँ पे हमने चेक करेंगे और ये मीटर हमारा 6 वोल्ट बता देगा। देखिए आप लोग मीटर पे फोकस करें, ये देखें इसने जब 6 वोल्ट बता दिया तो कंफ्यूज हमारा वहीं पे हो गया। और कोई भी टेक्नीशियन भाई बोलेगा, जब एक बल्ब 6 वोल्ट का है तो इन्होंने 6 वोल्ट का एक बल्ब और 3 स्ट्रिप डाल दिए, तो इससे जलेगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने जलाने की बहुत कोशिश की, नहीं जले, नहीं उनका काम नहीं हुआ। उसके बाद में फिर वो हमारे पास सेट को लाए और बोले, देखिए सर इसमें ये क्या प्रॉब्लम हो रहा, नहीं जल रहा। हमने दो दो बार इस तरह का बल्ब लगा के लाके चेक किया। तो अब हम आपको इस सेट को ओके करके बताएंगे। और कभी भी जैसे चेक करना हो आप लोगों को, तो कभी कभार ऐसे कंफ्यूजन आ जाते हैं, तो ध्यान दें बैकलाइट हमारी 3 वोल्ट 6 वोल्ट की ज्यादातर आती है। और ये वाला बाई चांस कभी कभार बैकलाइट हमको देखने को मिलती है कोई कोई सेट में। तो ये हमारी 2.5 वोल्ट की, इसको बोलते 2 वोल्ट की तो आती नहीं है, 1.5 वोल्ट का ये हमारा है मीटर में, 12 वोल्ट हमारा दिखा रहा है। तो अब हम इसको जला के, क्योंकि 2 वोल्ट की बैकलाइट आती नहीं आपको हमने बताया है, लेकिन 1.5 वोल्ट और 3 वोल्ट और 6 वोल्ट की, इस तीन प्रकार की बैकलाइट आती है। तो ये हमारी 1.5 वोल्ट की है। तो अब हम आपको इसका जो चालू होने के बाद में इसके वोल्टेज बताएंगे कि इसमें चालू होने के बाद इन तीनों के वोल्टेज हमारे उस हिसाब से 36 होते हैं, लेकिन इनको ग्लू करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है हमारे मदरबोर्ड से। तो जहां मदरबोर्ड लगता है, सबसे पहले हम इस बैकलाइट को यहां से चालू कर लेंगे और उसके बाद में देखेंगे हमको कितनी जरूरत पड़ती है। और सारा कुछ आप लोगों को सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अगर ध्यान से देख लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आप लोग इस बैकलाइट के फंडे में कभी उलझेंगे जी दोस्तों। देखिए आपको अब हम कनेक्शन करके बता देंगे। ये देखिए हमारा खुला वायर पड़ा हुआ है, देखें आप लोग, ये
यहाँ पे हमने इसको प्लस लगा दिया है और यहाँ पे हम इसको माइनस लगा देंगे। देखिए ये माइनस कर दिया और यहाँ पे प्लस है। बाद में एक वायर ये है, देखे ये यहाँ से प्लस जाएगा, देखे, और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये जो हमारी बैकलाइट सीरीज में लगी हुई है सीरीज में। तो अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो हमारा अंदर से आया जो बैकलाइट के जैक से, जो मदरबोर्ड के जैक से जो अंदर आ रहा है ये वायर, इस वायर को हम यहाँ से ग्राउंड कर देंगे। तो ये ग्राउंड हो गया। अब इस ग्राउंड से यहाँ से प्लस, ये माइनस, और ये प्लस हमारा इस कलर में गया, ये स्ट्रिप में गया, और उसके बाद में यहाँ से हमने प्लस निकाला और यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिया इस स्ट्रिप में। तो अब यहाँ पे इसको हम जो बचेगा प्लस, इसको हम प्लस लगा देंगे, ये देखें आप लोग। और अब ये हमारा कनेक्शन हो गया। कभी भी ऐसा कनेक्शन करके देख लें, ऊपर से ही चेक करके बगैर पैनल को लगाए हुए। तो अब हम आप लोगों को दिखाएंगे। जी दोस्तों, देखें यहाँ पे हमारा जो वहां से आ रहा है, जो हमारा मदरबोर्ड के जैक से आ रहा है, वो यहाँ पे ग्राउंड है। तो यहाँ पे इसको हम देखें आप लोग ग्राउंड लगा देंगे, और उसके बाद में यहाँ से हमारा प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और उसके बाद में लगा के देखिए, हमने चेक किया, ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, जल रहा है। और उसके बाद में यहाँ चेक कर लिया, अगर आपको लगे तो एक बार जो हमारा सॉकेट लगा रहता है ये जो मदरबोर्ड में, ये देखें आप लोग, तो इसको भी अगर यहाँ पे लगा के एक बार चेक कर लेंगे तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। देखिए, तो हम एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा पूरी तरह से जैक से हमारा जल रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, ये देखिए जल रहा है। तो इस तरह चेक करने के बाद में फिर हम कंफर्म हो गए। उसके बाद में इसको अब ये जो बैकलाइट का जैक है इसको लगा देंगे, और एक बार हम इस सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करके और उसके बाद में चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा है, शायद इन्वर्टर बोर्ड में प्रॉब्लम हो या फिर हमारा काम ना करे। तो क्योंकि सारा कुछ लगाने से पैनल बार बार निकालना लगाना मुश्किल भरा काम होता है, तो इसके लिए हम इसको अभी इसी तरह चेक कर लेंगे। यहाँ पे ये मेंस कोड लगाया और इसको सेट को चालू करके देख लेंगे, उसके बाद में पैनल और जो हमारे पेपर वगैरह लगाएंगे। देखिए हमारा इसमें लाइट आ गया और यहाँ से हम स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट लाइट है तो ये बंद नहीं होगा। ये देखिए हमने इसको पावर ऑन दबाया और ये अब हमारा सेट चालू होना चाहिए। देखें आप लोग, ये बैकलाइट हमारा प्रॉपर तरीके से काम करने लगा है। और अब हम यहीं से इसको मेजर कर लेंगे कि हमारा जो वोल्टेज वहां पे जो बन रहा है वो कितना आ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने इसको माइनस लिया और ये हमारा प्लस, और अब चेक करते हैं हमारा कितना आया। देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें हमारा 35 वोल्ट लगभग आ रहा है। देखें आप लोग 35-36 वोल्ट हमारा ये आ रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। देखिए 36 वोल्ट के एटे पेटे में आ रहा है। तो ये हमारा अब जो बैकलाइट है हमारा प्रॉपर ग्लो करने लगा है। आप लोग अब इसमें हम 6 वोल्ट की अगर बैकलाइट लगा देंगे तो ये हमारा काम नहीं करेगा। जो हमारे टेक्नीशियन भाई हमारे यहाँ लाए हैं वो यही गलती कर रहे थे, इसमें 6 वोल्ट की बल्ब लगा रहे थे। और एक जानकारी और दे दूं आपको, इसमें हम 3 वोल्ट की अगर लगाएंगे लाइट तो भी नहीं जलेगा, क्योंकि हमारा ये 36 वोल्ट पे, ये हमारा 35 वोल्ट 36 वोल्ट पे ये हमारा बैकलाइट जल रही है। और हम अगर इसमें 3 वोल्ट की लगाएंगे तो ये हमारा 3 6 18 हमारा 54 वोल्ट लगभग बनेगा। 54 वोल्ट तो
तो ये हमारा 54 वोल्ट बनेगा तो ये हमारा ग्लू नहीं करेगी। तो इसमें हमारा यही वाला जो 1.5-2 वोल्ट की लाइट आती है, 1.5 वोल्ट की यही लगेगी। तो ये कन्फ्यूजन के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था। और चलिए देखते हैं, अब इसको हम पैक कर लेंगे। ये हमारे सभी पेपर लग चुके हैं, अब हम इसको फ्रेम को लगा देंगे। ये देखें आप लोग, इस तरह ये अच्छे से बैठा देंगे इसको। ये कभी भी आप लोग फ्रेम बैठाए ना तो देखिए इसमें कट कट की आवाज आ रही है, देखें आप लोग। ये देखिए जैसे ही जो लॉक हमारे लगते हैं उनके उनमें से कट से आवाज आती है, तब आप लोग समझ जाएं कि ये हमारा जो फ्रेम है हमारा लग गया है। इस तरह चारों तरफ इसमें दबा के थोड़ा थोड़ा प्रेस करके देख लें। और अब हम इसमें पैनल लगा देंगे। तो ये देखिए आप लोग दोस्तों, ये देखें हम इस पैनल को बहुत ही सेफ्टी से बिठाएं, क्योंकि थोड़ा सा कहीं पे दब गया या फिर कहीं पे, ये देखिए जो हमारे ये आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें स्पेंस लगे हुए हैं, रबड़ लगी हुई है। इस जो स्पेंस लगे इनमें आप इस तरह उंगली घुमा के देख लें, जैसे कि ये हमारा कहीं पे ऊपर तो नहीं है। अगर इसमें ऊपर टच हुआ तो ये जैसे ही हम फ्रेम लगाएंगे तो वहीं से ये आपका पैनल टूट जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान खास देना पड़ता है। ये थोड़ा जब भी लगाएं तो इस तरह चारों तरफ एक बार चेक कर लें हमारा बराबर अच्छे से बैठ गया या नहीं लगा है। तो ये अच्छे से हमारा बैठ चुका है। अच्छे से लगाने के बाद में अब हम इस फ्रेम को इस तरह देखें आप लोग। जी दोस्तों, देखिए हमने पूरा अच्छे से बिठा दिया है। और अब हम इसमें ये जो हमारे नट रहते हैं वो सभी के सभी लगा देंगे। देखिए आप लोग, इसको भी हमें सेफ्टी से बिठाना रहता है। तो ये इसमें पहले से टेप लगा हुआ था, तो पहले हम इसके स्क्रू जो है सभी के सभी प्रॉपर तरीके से बिठा देंगे। ये देखिए सभी के सभी हमने इसके नट जो लगा दिए, उसके बाद में अब हम इसको यहाँ से निकाल के और इस FFC वेल्ट जो हमारा LVDS है इसको उसमें अच्छे से बिठा देंगे। तो इस तरह हम इसको देखें आप लोग, यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ये इसका हमने लॉक लगा दिया। और ये देखें आप लोग, थोड़ा जैसे ये कोप खींचा जैसा दिखे तो थोड़ा लूज भी कर सकते हैं इसको इस तरह। और उसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारा टेप है उस टेप पट्टी से इसको इस तरह यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स कर देंगे कि ये हमारा इधर उधर भागे ना, हिले ना। और उसके बाद में अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा पूरा सेट ओके हुआ या नहीं। देखें अभी हमने इसमें पावर इन किया और ये देखें आप लोग, यहाँ पे लाइट आ गई है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे, की बटन को दबाया, अभी भी हमारा सेट ऑन नहीं हुआ, फिर दबा के देखेंगे एक बार। जी दोस्तों, ये बटन से तकलीफ कर रहा है, एक बार और दबा के देखेंगे, नहीं तो हम फिर इसको रिमोट से करके देखेंगे। ये देखिए ये हमारा जो यूनिवर्सल रिमोट है, तो इससे दबा के देखेंगे। देखिए हमने इस रिमोट से दबाया, ये हमको लगता उसी से सेटिंग था तो हमारा रिमोट से ये चालू हो गया। कभी कभार इस तरह का समस्या आ जाती है कि जो हमारे की बटन रहते हैं ना वो शॉर्ट या कार्बन लगने के कारण उनसे जल्दी से सेट हमारा चालू नहीं होता। तो आप लोग देखें ये हमारा ब्यूटीफुल रिजल्ट, देखें आप लोग चालू हो गया एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। और आप लोग देखें इसमें हमारा नो सिग्नल आ रहा है, तो इसमें हम एक बार जो AB वायर है लगा के देखेंगे। ये देखिए हम इसमें
जैसे ही ए बी लगाएंगे और ये हमारा पिक्चर आ जाएगा। देखिए एकदम ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया, देखें आप लोग। जी दोस्तों देखिए एकदम हमारा ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया। और इस तरह की अगर समस्या आए तो आप लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं कोई भी सेट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।